सेकेंड एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सेकेंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड 16 बिट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर डेटा प्रेजेंट था इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ में, पर इसके अंदर हमारा डेटा प्रेजेंट नहीं होता है, डेटा की जगह पर एड्रेस प्रेजेंट होता है उस डेटा। इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड 16 बिट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब क्या था बताया था मैंने, जैसे कि डेटा, तो हमारे इसमें डेटा प्रेजेंट नहीं होता है, पर जहां पर डेटा डेटा है उसका एड्रेस प्रेजेंट होता है इन द इंस्ट्रक्शन। द इंस्ट्रक्शन इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज जनरली 3 byte इंस्ट्रक्शन, और जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है एड्रेसिंग मोड में कितने का होता है, 3 byte का होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। तो 1 byte तो हमारी किसके लिए होती है, ओपकोड के लिए, दूसरी बाइट होती है हमारी लोअर ऑर्डर एड्रेस वाइट के लिए, तीसरी होती है हमारी हायर ऑर्डर एड्रेस वाइट के लिए। जैसे कि अब हम एग्जांपल की बात करें तो डायरेक्ट का एग्जांपल है हमारा लोड डेटा टू एक्युमुलेटर, क्या आ जाएगा 800H। इसका मतलब क्या है, लोड करना है हमको डेटा को किस में, एक्युमुलेटर में, जो कहाँ है इस मेमोरी एड्रेस पे। ये क्या है हमारा मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, तो ये मेमोरी एड्रेस है, माना कि ये मेरी कोई मेमोरी है 800H, 8001H, 8002H, इसमें डेटा पड़ा हुआ है 66 77 88। अब इस वाले डेटा को हमको एक्युमुलेटर में मूव करना है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि लोड द एक्युमुलेटर विद डेटा, कौन से डेटा से, जो इस मेमोरी एड्रेस पे है। तो ये मेमोरी एड्रेस मेरा कहाँ है, ये रहा, इस मेमोरी एड्रेस पे जो मेरा डेटा है उस डेटा को मुझे लोड करना है किस में, एक्युमुलेटर में। जैसे कि हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इमीडिएट वाले की। तो इमीडिएट का मतलब ये है कि अगर मुझे माना कि क्या है, ये मार्कर चाहिए, तो मैं किसी स्टूडेंट को बोल सकता हूँ कि यार मुझे ये मार्कर दे दो, तो वो अगर मुझे मार्कर दे देगा तो मैंने उसको क्या होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में सामने मेरा डेटा था वो ले लिया। सेकेंड मैं उसको क्या बताता हूँ कि भाई डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इसका मतलब है कि मैं उसे बताऊँ कि जा भाई तुम रूम नंबर 2 है, मतलब उसके अंदर मार्कर रखा है वो लेके आ। तो डेटा क्या हुआ मेरा, मार्कर और एड्रेस दे दिया मैंने रूम नंबर 2, तो मेरे रूम नंबर 2 से वो लेके आ रहा है, इसका मतलब मैंने उसको एड्रेस बता दिया। तो यहाँ पे मेरा जो ये दे रखा है 16 बिट का, तो ये क्या है मेरा एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, और वो एड्रेस है जिसके अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है। जैसे कि मेरा ये रूम नंबर 2 है जिसके अंदर मेरा मार्कर है, मतलब वो डेटा है, तो मैंने उस डेटा को एक्सेस किया है। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड, हम बात करते हैं हमारे थर्ड एड्रेसिंग मोड की। थर्ड एड्रेसिंग मोड है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन मेमोरी एड्रेस व्हिच ऑपरेंड इज लोकेटेड स्पेसिफाई बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर, इसका मतलब इसमें वाले में क्या है हमारे थर्ड में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, ना तो हमारे पास डेटा प्रेजेंट है ना उसका एड्रेस प्रेजेंट है जहाँ पर हमारा डेटा है, पर हमारे पास प्रेजेंट क्या है, फिर ऑपरेंड इज लोकेटेड स्पेसिफाई बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर, इसका मतलब जहाँ पर हमारा डेटा है उस रजिस्टर पेयर का एड्रेस हमारे दूसरे रजिस्टर पेयर में मौजूद है। जैसे कि हम बात करें LDAXB, इसका मतलब क्या है, ना तो देखो हमारे पास यहाँ डेटा प्रेजेंट है ना उसका एड्रेस प्रेजेंट है, और हमारे पास प्रेजेंट क्या है कि इसका मतलब है लोड डेटा टू द एक्युमुलेटर, एक्युमुलेटर के अंदर हमें लोड करना है डेटा को किसके अंदर, एक्स के मतलब है कि रजिस्टर पेयर के अंदर, जो हमारे बीसी रजिस्टर है, मतलब बीसी पेयर जो रजिस्टर है उसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है, ये रहा मेमोरी एड्रेस, और इस मेमोरी एड्रेस पर जो डेटा है उसको मुझे एक्युमुलेटर में लोड करना है। यह है हमारा 800H पे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ना तो डेटा दिया ना एड्रेस दिया, पर वो एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है उसकी हमको लोकेशन दे दी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिंपल वर्ड्स में, हमने पहले वाले केस में मैंने क्या कहा था कि स्टूडेंट से भाई मुझे मार्कर दे दो, उसने मुझे मार्कर दे दिया, तो उसमें मैंने डायरेक्ट डेटा मिल गया, डेटा मेरा यहाँ क्या था मार्कर। उसके बाद उसको मैंने कहा रूम नंबर 2 में जाओ, वहाँ से मेरा मार्कर लेके आओ, तो रूम नंबर 2 मैंने क्या दे दिया उसको एड्रेस दे दिया कि रूम नंबर 2 में, और क्या है वहाँ से डेटा क्या ले आना था मेरा मार्कर। पर इस वाले केस में क्या करना है, हमें ना तो एड्रेस दिया ना दिया, हमें थर्ड तरीके से दे दिया कि जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है उसका एड्रेस की लोकेशन दे दी,
जैसे कि मैं बात करूं कि मैं उसको कहूं कि रूम नंबर एक में जाओ, रूम नंबर एक के अंदर एक लिफाफा मिलेगा, उस लिफाफे को खोलना, लिफाफे के अंदर जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जाके हमको मार्कर लाना है। तो उस लिफाफे को खोलेगा तो उसमें एड्रेस होगा रूम नंबर दो का, तो वो रूम नंबर दो से मेरे को क्या ला के दे देगा, मार्कर। तो देखो हमने डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया, ना तो डेटा किया ना मेमोरी एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस किया, पर जो हमारा उसका एड्रेस था वो किसमें, एक रजिस्टर पेयर के अंदर मिला, ये जैसे LDX। और हम दूसरा एग्जांपल कर दें, जैसे मूव ए कॉमा एम, इसका मतलब क्या है, हमको एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा मूव करना है, कहाँ से, मेमोरी से। मेमोरी को हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं, हमारा क्या है, HL पेयर। तो HL पेयर के अंदर जो हमारा एड्रेस है, माना कि 8001, ये मेरा HL पेयर है। तो HL पेयर के अंदर मेरा डेटा क्या है, 8001। तो इस वाले मेमोरी एड्रेस पर जाकर मुझे क्या करना है, डेटा को एक्सेस करना है और किसके अंदर डालना है, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्टली हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें दिया एड्रेस तो दिया, पर वो दिया इनडायरेक्टली, मतलब दूसरे रजिस्टर पेयर के अंदर।